दोस्तों, वैसे तो दुनिया के ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम मानते हैं, मगर दुनिया में कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जो आप कभी नहीं करना चाहोगे। अगरचे आज दुनिया के हर मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मगर इन जॉब्स को देखकर कोई बेरोजगार भी इन्हें करना नहीं चाहेगा, इसीलिए तो इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5, स्काईस्क्रैपर विंडो क्लीनर। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ऊंचाई से डरते हैं। इस जॉब में ऊंची-ऊंची इमारतों के शीशों को बाहर से साफ करने के लिए क्लीनर को एक रस्सी की मदद से हजारों फीट ऊंची इमारतों पर चढ़ना होता है। एक रस्सी की मदद से जमीन से हजारों फीट ऊपर शीशों को गीले हाथों से साफ करना इंतहाई खतरनाक काम है, क्योंकि आपकी जरा सी गफलत आपकी जान ले सकती है। नंबर 4, स्नेक फार्मिंग। दोस्तों, सांपों को देखकर ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इस जानवर को छूना तो दूर, लोग इसे देखकर ही डर से भाग खड़े होते हैं, मगर इंडोनेशिया और चाइना के कुछ इलाकों में सांपों को पाला जाता है। सिर्फ चंद पैसों के लिए ये लोग हजारों सांपों को पालते हैं। इनमें से कई सांप तो इतने जहरीले होते हैं कि जिनके काटने से चंद सेकंड्स में ही इंसान की मौत वाकया हो जाती है। ये लोग सांपों को पालकर इनकी खाल और जहर बेचते हैं। अगर आपसे कहा जाए चंद पैसों के लिए सांपों को बैग में भरकर कंधे पर डालकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो क्या आप राजी हो जाएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, टावर क्लाइंबिंग। दोस्तों, जरा सोचिए, एक खाली मैदान में 1,500 फीट ऊंचा टावर खड़ा हो। एक हैवी टूल बैग के साथ आपको सिर्फ एक रस्सी के सहारे इस 1,500 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ना है और टावर में आने वाली खराबी को दूर करना है, तो आप क्या करेंगे? इस खतरनाक काम को सर अंजाम देने वाले शख्स को टावर टेक्नीशियन कहते हैं। ऊंचाई पर हवा का दबाव बढ़ जाता है। तेज हवाएं टावर टेक्नीशियन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होती हैं। अगर ऊपर चढ़ते वक्त आपकी तबीयत खराब हो जाए या मौसम की नियत खराब हो जाए, तो ये काम जानलेवा साबित हो सकता है। नंबर 2, सल्फर माइनिंग। ये दुनिया की ऐसी जॉब है जो अपने वर्कर्स की उम्र खाती है। इंडोनेशिया का कावासान वोल्केनो दुनिया की खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। पहाड़ों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत तालाब मौजूद है। इस तालाब का खूबसूरत हरे रंग का पानी नहाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पानी में सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। सल्फर को निकालने के लिए मजदूरों को ऊंचे पहाड़ों से नीचे तालाब में आना होता है, वो भी बिना मास्क पहने। इस खतरनाक सल्फर को बिना मास्क पहने निकाला जाता है, जिससे मजदूरों के फेफड़ों में जलन होना और आंखों से पानी बहना मामूल की बात है। ये चीज मजदूरों को जल्द बूढ़ा कर देती है। ये लोग सिर्फ 50 साल की उम्र तक ही जी पाते हैं। आपको ये जानकर इंतहाई हैरानी होगी कि इतना सब करने के बावजूद इन मजदूरों को सिर्फ रोजाना 350 रुपया मजदूरी मिलती है। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन इंस्टॉलर। दोस्तों, कहीं बहुत ही ऊंचे मकाम पर बिजली के केबल्स पहुंचाने हो या फिर खराब मौसम में बिजली की तारों को ठीक करना हो, ये काम मौत से खेलने के बराबर है। किसी आदमी को मारने के लिए 50 वोल्ट ही काफी होते हैं और पावर लाइन में 5,00,000 वोल्ट तक पावर पाई जाती है। कहा जाता है कि बिजली ने अपने बनाने वाले तक को नहीं छोड़ा था। इलेक्ट्रिकल पावर वर्कर्स अपनी जान हथेली पर रख कर ये काम करते हैं। एक तो इंतहाई बुलंदी जहाँ से गिरकर मौत वाकया हो सकती है, ऊपर से बिजली की हाई पावर वायर्स जिनके साथ सिर्फ टच होने की सूरत में या तो बंदा मौत के मुंह में चला जाता है या फिर जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने इन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जॉब को दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब समझते हैं। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए दानर हसन टीवी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।